बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 36 का अध्याय 1 डोबेलो की कथा के अभ्यास प्रश्न। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने 6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे। आज हम प्रश्न 7 और उससे आगे के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न 7 है, किसान जीवन वाले समाज पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर है, कहानी में किसान जीवन में मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति से पूर्ण दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। झूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसका प्रमाण है। दूसरी ओर गया जैसे कठोर हृदय किसान पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझते हैं। प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाले मालिक के इशारे पर ही जी जान से काम करते हैं और डंडे से काम लेने वाले से विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता ही बताइए। इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी और पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला, ये जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र कर देता है। उसे इसी बात पर संतोष है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर 9-10 प्राणियों की रक्षा कर ली। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में हमने 2 प्रश्नों के उत्तर किए। अगली ऑनलाइन क्लास में हम शेष बचे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।